आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमें ना अपनी सैलरी के अलावा दूसरे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पर भी फोकस कर लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, और आज मैं लेकर आई हूँ एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान जिसकी तीन बात बहुत ही खास है। एक, इससे आपको फिक्स्ड मंथली इनकम मिल सकता है। दूसरा, आपका ये इन्वेस्टमेंट वैसा ही रहेगा या फिर हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ भी जाए। और तीसरा, इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कमाल का है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पांच ऐसे बेस्ट मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जहां आप निवेश कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। और जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूं इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जो 100% सेफ है और खासकर वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जो एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, यानी कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और साथ ही ये चाहते हैं कि अपना प्रिंसिपल और इस पर हमको अच्छे रिटर्न्स भी मिले। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ जाता है आपका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। बहुत लोगों ने पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम का नाम सुना होगा जरूर। तो ये एक कमाल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही यहां पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए है। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं और आप मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं तो 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप जॉइंटली किसी और के साथ मिलकर एक अकाउंट खोलते हैं तो 15 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और सबसे खास बात है इसका इंटरेस्ट रेट, और आज के इस क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.4% का, जो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पे आपको मंथली इनकम भी चाहिए, यानी कि एक रेगुलर इनकम आपको मिले ताकि आपका खर्च निकलते रहे और साथ ही आपका प्रिंसिपल जो है वो 100% सेफ रहे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। वेल, आज अगर आप पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक अपना डिपॉजिट रखना होगा फिक्स कर, और 5 साल के बाद आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि इसका जो इंटरेस्ट पे आउट है वो बहुत ही कमाल का है, जो है आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपको आपका इंटरेस्ट पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आज आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूं कि अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रेट रिटर्न की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको मिस आउट नहीं करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स आखिर होता क्या है। वेल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे हम सॉवरेन बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा बॉन्ड है, यानी कि अर्थात अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं मतलब आप गवर्नमेंट को पैसे लेंड करते हैं, यानी कि उनको उधार में ये पैसे दे रहे हैं, और इस एक्सचेंज में आपको गवर्नमेंट ये प्रॉमिस देता है कि आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा और साथ ही इस पर आपको इंटरेस्ट भी कमाने का मौका मिलेगा। और साथ ही मैच्योरिटी डेट भी तभी बताया जाता है जब एक बॉन्ड इशू किया जाता है। वेल, अगर हम यहाँ पे टेन्योर की बात करें तो कुछ बॉन्ड्स कुछ महीने के होते हैं, कुछ सालों के होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के भी होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वापस मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आप एक AAA रेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड ही खरीदिए। तीसरा ऑप्शन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या फिर कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स एक तरह का टर्म डिपॉजिट होता है जहां पर आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। बहुत से NBFCs और साथ ही फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आज आपको कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इशू करते हैं जो आप खरीद सकते हैं। वेल, यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स खरीदने जा रहे हैं उससे पहले आप कुछ चीज़ें को चेक कर लीजिए, जैसे कि कंपनी का हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कैसा है, एक्सेट्रा। तो आज के अगर हम टॉप कंपनीज जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट इशू करते हैं उसकी बात करें तो इट इंक्लूड्स बजाज फिनसर्व, HDFC, ICICI होम फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, महिंद्रा फाइनेंस FD, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस FD, साथ ही सुंदरम फाइनेंस कंपनी FD एक्सेट्रा। अब चौथा कमाल का ऑप्शन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है स्टॉक डिविडेंड्स। जी हाँ, आज अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर एक हाई रिटर्न्स पाना है
एट द सेम टाइम आपको ये लगता है कि आपको एक इसमें से एक रेगुलर इनकम चाहिए, देन स्टॉक डिविडेंड्स इज फॉर यू। अब स्टॉक डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो आज अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें प्रॉफिट जो है वो टू वेज या टू फॉर्म्स में मिलता है। एक होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है डिविडेंड्स। तो अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक डिविडेंड्स में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज तो नहीं हैं जो आपको ऑन अ मंथली बेसिस डिविडेंड्स दें, बट हाँ ऐसे कंपनी जरूर हैं जो आपको क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि आपके पास कितने शेयर्स हैं उस एक्स वाई जेड कंपनी का। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टॉक डिविडेंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रिसर्च कर लीजिए कि कौन से कंपनी का आपको डिविडेंड्स खरीदना है। उससे पहले आप ये रिसर्च कर लीजिए कि कौन से कंपनीज आपको एक्चुअली डिविडेंड्स पे करते हैं। साथ ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका हिस्ट्री और साथ ही वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही एक और बात यहाँ पे ऐड करना ये चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स पाएं और सही जगह इन्वेस्ट करें तो उसके लिए जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहां पर आपको एक फैंटास्टिक कोर्स मिलता है जहां पर आप एक एक्सपर्ट से सीख सकते हैं इन डिटेल अबाउट द बेसिक्स और द फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो यही सजेस्टेड है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं बट फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ही गलत मूव होगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। और अब बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन पर जो है मेरा फेवरेट, जिसे हम कहते हैं SWP या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब ये समझते हैं कि SWP क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड का ही एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम चाहिए आइदर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली डिपेंडिंग ऑन कि कौन से मोड का इनकम आपको चाहिए, उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में आज 100 रुपये डाल दिया है और इस 100 रुपये से मुझे हर महीने अगर 10 रुपये का मंथली इनकम चाहिए तो मैं ये SWP ऑप्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं ये SWP को ऑप्ट करती हूँ मेरे 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 10 रुपये हर महीने कटकर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल है, जैसे हम म्यूचुअल फंड के SIP को ऑप्ट करते हैं जहाँ हम हर महीने कोई एक एक्स अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, SWP थोड़ा उल्टा है जहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको हर महीने एक अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। बहुत ही सिंपल। अब SWP को ऑप्ट करने से आपको दो मेजर बेनिफिट मिलते हैं, एक कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा एक रेगुलर इनकम भी मिलता है। कैसे? अगर आप SWP को ऑप्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये और हर महीने मैं 10 रुपये निकालती हूँ, फिर भी मेरा जो 90 रुपये है वो स्टिल इन्वेस्टेड रहेगा और इस पर हो सकता है कोई इंटरेस्ट मुझे मिल जाए। तो ये एक मेजर बेनिफिट है ऑफ ऑप्टिंग SWP, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है साथ ही रेगुलर इनकम भी आपको मिल रहा है। तो ये थे आपके 5 बेस्ट मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और बाकियों को भी बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसा चल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।